हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एलईडी बल्ब रॉ मटेरियल के ऊपर। और दोस्तों, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी सब्सक्राइब कर ले और घंटी बेल आइकन को भी टच कर दे। और दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप करके मत देखिए। मैं आज ये एलईडी बल्ब रॉ मटेरियल के पूरी जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों? इसलिए पूरा एंड तक ज़रूर देखिए, ये वीडियो स्किप करके मत देखिए, क्योंकि मैं आज ये पूरा जानकारी देने वाला हूँ। इसलिए एंड तक ज़रूर देखें, स्किप करके देखेंगे तो आपका समझ नहीं आएगा, इसलिए एंड तक ज़रूर देखें, ठीक है दोस्तों? यहाँ पर देख सकते हैं, ये B22 कैप है, निकल कैप है, ये फुल स्टील बॉडी का है, देख सकते हैं, ये निकल कैप है। और एक सस्ती बल्ब पाए जाते हैं, वो एल्यूमिनियम के है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये हेड सिंग है, इसको हेड सिंग कहते हैं, बहुत से लोग इसको टिक्की भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों? यहाँ पर देख सकते हैं, ये हेड सिंग है। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये बॉडी एलुमिनियम बॉडी है। ये आप चाहे तो हमारे पास भी रॉ मटेरियल कंप्लीट बल्ब दोनों ही अवेलेबल है, आप मंगा सकते हो, ठीक है दोस्तों? और यहाँ पर देख सकते हैं, ये डिफ्यूज़र है, ये लॉक वाला डिफ्यूज़र है, देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, ये लॉक वाला डिफ्यूज़र है, ठीक है दोस्तों? और यहाँ पर देख सकते हैं, ये ड्राइवर है, ये ड्राइवर, ठीक है दोस्तों? आप चाहे तो कंप्लीट वाला पर रॉ मेटेरियल दोनों ही उठा सकते हो, हमारे पास दोनों ही अवेलेबल है। यहाँ पर देख सकते हैं, MCBC भी, इतने सारे MCBC में, बहुत से MCBC भी रखा है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों? और क्या क्या ज़रूरत होता है ये मटेरियल असेंबल करने के लिए, क्या क्या ज़रूरत होता है वो भी मैं बताऊंगा, इसलिए एंड तक ज़रूर देखें वीडियो। यहाँ पर देख सकते हैं, ये हेड सिंक कंपाउंड है, ठीक है दोस्तों? ये भी चाहे तो हमारे पास मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, दो बंडल रखा है, पैकिंग बॉक्स, ये प्लेन पैकिंग बॉक्स है, यहाँ पर कोई ब्रांड नहीं छपा है, मैं दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, ये 5 वॉट का है, देख सकते हैं, ये कोई भी ब्रांड का नाम नहीं छपा है। आप चाहे तो आपका ब्रांड का स्टिकर छपा के यहाँ पर चिपका सकते हो, ठीक है दोस्तों? यहाँ पर चिपका के आपका ब्रांड का लोगो जो होता है वो चिपका के आप सेल कर सकते हो, ठीक है दोस्तों? ये 5 वॉट का है और ये 9 वॉट का है, देख सकते हैं, यहाँ पर ये 9 वॉट का है। और यहाँ पर देख सकते, ये MCBC भी लगा है ये पर, लेकिन यहाँ पर देखिए, स्क्रू नहीं लगा है। इसका भी एक पेस्ट आता है, ये उसको थर्मल पेस्ट बोलते हैं, मैं दिखा देता हूँ कैसा होता है। ये एक ट्यूब में आता है, ये देखिए, ये थर्मल पेस्ट का एक ट्यूब है, ये लगाने के बाद स्क्रू नहीं लगता है इसके, ये चिपका देता है, ग्लू की तरह होता है, एक ठंडा रखता है एमसीबी को ठंडा रखता है। इसमें ये लगाओगे तो आपका स्क्रू का खर्चा बच जाएगा। और ये हेड सिंक लगाने के बाद ये पर ये स्क्रू लगता है, मैं स्क्रू दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं, ये स्क्रू है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये छोटे छोटे स्क्रू लगता है, देख सकते हैं, ये छोटे छोटे स्क्रू है। ये भी चाहे तो हमारे पास मिल जाएगा, ऑल टोटल रॉ मटेरियल स्क्रू सब मशीनरी सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते, ये कटार भी ज़रूरत होता है काटने के लिए, ये सोल्डरिंग वायर, ये भी ज़रूरत होता है सोल्डर करने के लिए, सोल्डरिंग करने के लिए। और ये स्क्रू कसने के लिए स्क्रू ड्राइवर, ठीक है दोस्तों? स्क्रू कसने के लिए ये स्क्रू कसने के लिए ये स्क्रू ड्राइवर ज़रूरत होता है। ये देखिए, ये अच्छी क्वालिटी का स्क्रू ड्राइवर है, लो क्वालिटी का नहीं है, ठीक है दोस्तों? और यहाँ पर देख सकते, ये सोल्डरिंग आयरन है, ये भी ज़रूरत होगा ये बल्ब को असेंबल करने के लिए, ठीक है दोस्तों? और यहाँ पर देख सकते हैं, ये फ्यूज बोलते हैं इसको, रेजिस्टेंट और फ्यूज दोनों ही बोलते हैं इसको, यहाँ पर फ्यूज है। और ये एमओ भी है, देख सकते हैं, ये एमओ भी है, ठीक है दोस्तों? वीडियो के एंड तक जरूर देखे, पूरी जानकारी देने वाला हूँ आज अभी, ठीक है दोस्तों? और आप चाहे तो कंप्लीट बल्ब भी मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, दो चार बल्ब कंप्लीट हैं यहाँ पर, यहाँ पर देख सकते हैं आप, कंप्लीट भी है।
ठीक है दोस्तों, कंप्लीट और रॉ मटेरियल दोनों ही मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो मैंने बताया थर्मल पेस्ट बोलते हैं इसको, इसको लगाने के बाद एक कम होता है आपका स्क्रू का खर्चा, बच जाता है, दो स्क्रू लगता है, ये लगाने के बाद और नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ये पंचिंग मशीन है, ये भी ज़रूरत होगा। और एक टिक्की प्रेस मशीन बोलते हैं, जो ये टिक्की को ये बॉडी के साथ फिट करने के लिए लगता है, ऐसे ऐसे लगाया और ऊपर से प्रेस कर दिया। वो प्रेस करने के लिए एक मशीन आता है, उसको टिक्की प्रेस मशीन बोलते हैं, ये उसको उसके सहायता से ये पूरा अंदर दब जाएगा और ये नहीं निकलेगा। ठीक है दोस्तों, वो भी हमारे पास मिल जाएगा, आप चाहे तो हमारे पास से भी परचेस कर सकते हैं। फिर देख सकते हैं टोटल रॉ मटेरियल रखा है, ऑल टोटल रॉ मटेरियल है हमारे पास, जो कुछ भी चाहिए वो हमारे पास मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ये मैंने ये थर्मल पेस्ट से लगाया रखा है, स्क्रू नहीं लगाया, देखिए यहाँ पर दो छेद है लेकिन स्क्रू नहीं लगा है, अब देख सकते हैं कोई भी स्क्रू नहीं लगा है, वो लगाने से ये खर्चा बच जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और घंटी वाले आइकन को भी टच करते हैं, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो डालता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, हमको मैं आंसर दे दूंगा, और हमारे कंपनी के साथ कांटेक्ट करना सकते हो, तो वो भी है डिस्क्रिप्शन में और टाइटल में भी, दोनों में हमारे कंपनी का मोबाइल नंबर है, आप चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और शेयर भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, और जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 1000 सब्सक्राइब होने पर मैं लाइव आऊँगा, लाइव आकर मैं आप सभी को और सभी को आपको समझाऊँगा कैसे क्या करते हैं एलईडी बल्ब बिजनेस करने के लिए, क्या क्या करना ज़रूरी है, सब कुछ समझाऊंगा। इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी वाला आइकन को भी टच कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, गुड बाय।